नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल शानो सर ट्यूटोरियल्स में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आइए, हमारी जो वेब डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों आज जो मैं आपको एक नई चीज़ बताने वाला हूँ वो है हमारे, एक तरीके से देखा जाए तो वो वैलिडेशन ही है, बट उसको हम पैटर्न से कैसे यूज़ करते हैं वो आज हम देखेंगे। तो दोस्तों आज जो हमारे टॉपिक का नाम है HTML पैटर्न है ना। एक HTML के अंदर जो हमारी इनपुट एट्रीब्यूट होते हैं, उसके अंदर एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम होता है हमारा पैटर्न। अब दोस्तों ये पैटर्न चीज़ क्या होती है, ये पैटर्न चीज़ का मैं आपको स्पेशली आपको एग्जांपल समझाता हूँ कि पैटर्न का हम यूज़ क्यों करते हैं। दोस्तों सबसे उससे पहले हम आते हैं हमारे HTML वाला जो मैंने पेज बनाया था, signup.html। इस HTML पेज को सबसे पहले दोस्तों मैं आपको यहाँ से रन करके बताता हूँ, ठीक है। जैसे मैं इसको लाइव सर्वर पे ले जाता हूँ, लाइव सर्वर पे इसको हम सबसे पहले रन करके देखते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमने एक साइनअप पेज जो हमने बना रखा है उसके अंदर हमने वैलिडेशंस वगैरह अप्लाई कर रखे हैं, ठीक है। दोस्तों ये यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब आप देख रहे हो कि जैसे मैं इस पर साइनअप करता हूँ तो सबसे पहले तो मेरी जो भी मैंडेटरी फील थी वो सारी रिक्वायर्ड हो चुकी है। अब दोस्तों आप बोलोगे यार ये ऐसा क्यों दिख रहा है रेड कलर में, क्योंकि मैंने ब्राउज़र क्या कर रखा है, चेंज कर रखा है, ठीक है। अब जब मैं इसके ब्राउज़र पे जाके इसकी URL को जब मैं कॉपी करके जब मैं इसको मेरे गूगल क्रोम पे ओपन करता हूँ तो यहाँ पे उसकी फंक्शनलिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे उसका व्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब दोस्तों जैसे ही मैं सब साइनअप पर क्लिक करता हूँ तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इंटर फर्स्ट नेम। तो मैंने यहाँ पर इंटर फर्स्ट नेम लिखा। अब दोस्तों इंटर फर्स्ट नेम लिखने मैं केवल मैंने क्या लगा दिया, मैंने अभी तक केवल इस प्रोग्राम के अंदर क्या लगा रखा था, मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर मैंने रिक्वायर्ड लगा रखा था। मैंने इसके अंदर एक एट्रीब्यूट यूज़ कर रखा है, उस एट्रीब्यूट का नाम क्या, रिक्वायर्ड। तो दोस्तों रिक्वायर्ड का मतलब ये होता है कि मैंडेटरी होना चाहिए, मतलब ये फील्ड आप एम्प्टी नहीं छोड़ सकते हो, बट रिक्वायर्ड कभी भी ये चेक नहीं करता है कि जो आपने नाम लिखा है उस नाम में आपने सारे कैरेक्टर लिखे हैं या फिर कैरेक्टर के साथ आपने नंबर भी लिखा है। तो दोस्तों मुझे बताओ किसी यूज़र के नाम में कभी भी नंबर आता है क्या, नहीं आता है। तो सिंपली ये जो पैटर्न है, ये जो हमने वैल्यू लिखी है admin123, ये तो पूरी तरह से रॉन्ग है। तो रिक्वायर्ड का मतलब ये होता है कि फील्ड मैंडेटरी होना चाहिए, मतलब फील्ड एम्प्टी नहीं होना चाहिए। वो कभी भी ये चेक नहीं करता है कि आपने जो वैल्यू लिखी है वो प्रॉपर करेक्ट है या नहीं है। इसी वैल्यू को चेक करने के लिए हम इनपुट HTML का, HTML5 के अंदर पैटर्न का यूज़ करते हैं। कौन से एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं हम, पैटर्न का। तो इसके लिए हम एक पैटर्न बनाएंगे, उस पैटर्न में हम ये लिखेंगे कि उसके अंदर केवल क्या होना चाहिए, जो भी नाम है आपका वो उसमें केवल कैरेक्टर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, केवल उसके अंदर कैरेक्टर होना चाहिए, कभी भी उसके अंदर वो नंबर अलाउ ना करें, ठीक है। तो ये तरीका होता है इसकी। तो इसको अगर मुझे बनाना है ऐसा, तो उसके लिए मैं किसका यूज़ कर सकता हूँ, पैटर्न का। दोस्तों मैं आपको एक और आगे चीज़ लेके बताता हूँ, जैसे कि लास्ट टाइम में भी मैंने यहाँ पे इन्फो लिख दिया, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो दोस्तों यहाँ से आपको ईमेल आईडी पर मैं आपको चला के बताता हूँ कि जनरली हमने ईमेल आईडी वाली जो एट्रीब्यूट है उसके अंदर मैंने इनपुट जो एट्रीब्यूट मैंने ले रखा है, इनपुट फील्ड ले रखी है, उसके अंदर मैंने भी देखो मैंने यहाँ पे रिक्वायर्ड लगा रखा। अब आप बोलोगे कि यार सर इनपुट एलिमेंट तो पूरा के पूरा ईमेल आईडी चेक करता है, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे @ के बाद कुछ नहीं लिखा और अगर मैं आगे चला गया, ठीक है, जब मैं इसको सबमिट करता हूँ तो उस पर वैलिडेशन प्रॉपर बताएगा। जी हाँ दोस्तों, वैलिडेशन बता रहा है, जैसे कि @ के बाद वो बोल रहा है कि @ से भी आगे के जो भी आपका जो डोमेन का नाम है उसको आप यहाँ पे मेंशन करो। दोस्तों इसके अंदर एक ड्रॉबैक ये है कि जैसे मैंने यहाँ पे HTML Gmail लिखा, तो जय हम देखते हैं कि क्या जीमेल लिखने से हमारा काम हो जाएगा, क्या .com या .in हमको लगाने की ज़रूरत है या नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसने क्या नहीं लिखा है यहाँ पे, उसने केवल जीमेल तक का डेटा चेक किया, मतलब उसने .com .in .co.in ऐसा कुछ भी उसने डोमेन के अंदर जो हमारा स्पेसिफिक जो हमारा डोमेन रहता है, जो बाद में दो वैल्यू या तीन वैल्यू रहती है .com .in रहता है, तो वो तो उसने चेक ही नहीं करा। मतलब एक तरीके से तो ये हमारा ईमेल आईडी रॉन्ग है ना, ये हमारा ईमेल आईडी क्या एक तरीके से रोंगे। तो HTML5 की जो पैटर्न है उनकी हेल्प से मैं ऐसे जो हमारे जिसमें हमारे ड्रॉबैक है, जिस वैलिडेशंस में हमारे ड्रॉबैक है, ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी गवर्नमेंट वेबसाइट पे काम करोगे तो आपको ऐसे वैलिडेशंस यूज़ थोड़ी ना करने देंगे क्या,
उसके लिए आपको प्रॉपर वैलिडेशन यूज़ करना चाहिए, जैसे कि फर्स्ट नेम आप लिख रहे हो तो यहाँ पे केवल कैरेक्टर होना चाहिए, ईमेल आईडी लिख रहे हो तो यहाँ आपको यहाँ पे क्या कर चेक करना चाहिए, डॉट कॉम है, डॉट इन भी चेक करना चाहिए। दोस्तों ये तरीका होता है हमारा एक्चुअल, तो हम चाहते हैं कि ऐसे हम एक्चुअल कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए आज हम पढ़ने वाले हैं। मैं आपको एक सोर्स बताऊंगा, सोर्स मतलब मैं आपको एक एचटीएमएल के अंदर एक पैटर्न एट्रीब्यूट बताता हूँ कि पैटर्न एट्रीब्यूट की हेल्प से हम उसको कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, ये जो हमारे रिक्वायर्ड के अंदर जो हमारे ड्रॉबैक है उसको हम कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले तो देखो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आप उसके लिए नेट की हेल्प लो, ठीक है। नेट की हेल्प लेते हो और इतना बड़ा मैं प्रोग्राम बनाना नहीं चाहता हूँ, मैं आपको सिंपली सबसे पहले तो हम ईमेल आईडी वगैरह से हम चेक करके देख लेते हैं कि ईमेल आईडी और पासवर्ड वगैरह से हम चेक करके देख लेते हैं। तो सिंपली मैंने क्या करा, इसी साइनअप वाले पेज को मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको साइनअप पेज तो कम से कम बनाते आ रहा होगा या आपको आता ही होगा, तो आप उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, बस आप उसके अंदर पैटर्न कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। दोस्तों उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, आप यहाँ पे काम करना है एक नई फाइल का नाम देते ना पैटर्न डॉट एच टी एम एल, ठीक है। तो जिससे पैटर्न डॉट एच टी एम एल मैंने दिया है, तो उसमें दोस्तों मुझे यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम, अभी चलो ठीक है फर्स्ट नेम रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक ईमेल आईडी वाली फील्ड रख लो, कॉन्टैक्ट नंबर की अभी हमको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, एज की भी हमको कोई रिक्वायरमेंट नहीं, जेंडर की भी रिक्वायरमेंट नहीं, सिलेक्ट सिटी की भी रिक्वायरमेंट नहीं, हॉबी की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, पिक्चर की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, बस यहाँ पे आपको किसकी रिक्वायरमेंट है, पासवर्ड की, ठीक है। दोस्तों ये बिल्कुल मैंने आपको सिंपल वे पे बना के बता दिया है, ज़्यादा कुछ ज़्यादा हेडेक वगैरह नहीं करी हमने इसके अंदर। मैं फाइल का नाम यहाँ पर रन करके बताता हूँ, पैटर्न टू एच टी एम एल, यहाँ पर मैंने एक ईमेल आईडी, एक फर्स्ट नेम लिया और एक के लिए ईमेल आईडी, और मैंने यहाँ पे सिंपली एक पासवर्ड ले रखा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे तीन फील्ड ले रखी है, क्योंकि टेबल की हाइट कुछ ज़्यादा है, तो टेबल की हाइट को मैं यहाँ पे ना 250 करके यहाँ पे उसको मैनेज कर देता हूँ। दोस्तों देखो अब हम चाहते हैं कि जैसे मैंने साइनअप पे क्लिक करा तो यहाँ पे पूरे के पूरे कैरेक्टर होना चाहिए, नंबर नहीं होना चाहिए, तो उसको हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे वो भी आज हम देखने वाले हैं। उसके बाद एक ईमेल आईडी, ईमेल आईडी के लिए हम क्या चाहते हैं दोस्तों, ईमेल आईडी के लिए देखो जैसे कि यहाँ पे डॉट कॉम वगैरह चेक नहीं करेगा, क्या चेक नहीं करेगा, यहाँ पे डॉट कॉम वगैरह चेक नहीं करता है। अगर आपने डॉट कॉम वगैरह सबमिट करा तो देखो यहाँ पे एरर नहीं आ रही, जबकि पहले वाले पे एरर आ रही है। तो पहले वाले पे जब मैंने सॉर्ट आउट कर दिया उसको, अब सेकंड वाले पे एरर नहीं आएगी, क्योंकि थर्ड वाले पे, जबकि सेकंड वाला पूरा ईमेल आईडी थोड़ी ना बनाए क्या, आपने डॉट कॉम या डॉट इन तो लगाया ही नहीं है। तो ऐसे ईमेल आईडी को हम कैसे वेरीफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ पैटर्न, वो आज हम देखने वाले। तो दोस्तों सिंपली आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे आपको लिखना है HTML5 पैटर्न, सिंपल आपके लिखोगे HTML5 पैटर्न लिखोगे तो यहाँ पे कौन से लिंक पे जाना है। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप बिल्कुल इजी वे पे काम करो, ठीक है। तो उसके लिए आप ना यहाँ पे W3School की कोई लिंक की उसको ओपन करना, W3School.com पे जाना, यहाँ पे जैसे आप चले गए, यहाँ पे जैसे आप चले गए दोस्तों यहाँ पे आप कैसे काम करोगे दोस्तों, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे एक इनपुट फील्ड उन्होंने बना रखी है कंट्री कोड के लिए। अब दोस्तों आपको पता है कंट्री कोड 3 नंबर का होता है, तो इस 3 नंबर को मैं कैसे चेक करूँगा, तो उसके लिए देखो उन्होंने यहाँ पे इनपुट फील्ड के अंदर एक पैटर्न ले रखा है, पैटर्न कौन सा ले रखा है ये। अब दोस्तों ये जो पैटर्न है ये किससे बनता है, ये क्या लिखा है, ये जो अजीब गरीब जो यहाँ पे एक स्ट्रिंग फॉर्मेट दे रखा है ये क्या है, ठीक है। दोस्तों तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो हमारा पैटर्न बनता है, ये जो हमारा हम जो पैटर्न वगैरह बनाते हैं, ये जो पैटर्न हमारा बनता है ये हमारा रेगेक्स की हेल्प से बनता है। किसकी हेल्प से बनता है, रेगेक्स, रेगेक्स मतलब होता है रेगुलर एक्सप्रेशन, क्या होता है रेगुलर एक्सप्रेशन, रेगुलर एक्सप्रेशन की मदद से हम क्या बना सकते हैं, पैटर्न बना सकते हैं। अब कोई बड़ी चीज़ नहीं दोस्तों, पैटर्न बनाना बहुत ही इजी वे होता है, पर अभी हम जैसे कि ईमेल आईडी वगैरह पे बात कर रहे हैं तो ऑलरेडी ईमेल आईडी के लिए उसने पैटर्न बना के दिया, उसके लिए मुझे यहाँ पे थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पर देखो दोस्तों एक तो उसने दे रखा पासवर्ड के लिए, ठीक है। पासवर्ड के लिए यहाँ पे टाइटल आप पढ़ सकते हो कि जो 8 और मोर कैरेक्टर, मतलब ये वहाँ पे अलाउ करना है जहाँ पे कम से कम 8 कैरेक्टर होना चाहिए, 8 या 8 से ज़्यादा कैरेक्टर के लिए अगर आपको चेक करना है तो आप ये वाला पैटर्न सिंपली यहाँ से कॉपी पेस्ट करके वहाँ पे आपके प्रोग्राम में ऐड कर सकते हो, ठीक है। कॉपी करके वहाँ से आप कॉपी करो, सिंपली वहाँ पे आप उसको पेस्ट कर दो, ठीक है। दोस्तों आगे थोड़ा सा और देखते हैं कि क्या ईमेल आईडी के लिए भी, जी हाँ दोस्तों बिल्कुल आपको एक पासवर्ड के लिए मिलेगा। अब दोस्तों देखो ये जो पासवर्ड के लिए जो पैटर्न है, पैटर्न याद रखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप ना W3School पे जाना, HTML5 पैटर्न सर्च करना, तो आपको ये इसे लिंक मिलेगी W3School वाली वेबसाइट से, आप जाकर के इसको सिंपली कॉपी पेस्ट कर सकते हो। और देखो दोस्तों टाइटल आपको देना जरूरी होता है, टाइटल में यूज़र को पता चलता है कि एक्चुअली आपने कैसा पैटर्न वगैरह लगा रखा है। तो यहाँ पर क्या लिख रहेगा, मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1 नंबर। दोस्तों सबसे पहली बात तो ये कि हम मुझे यहाँ पे जो मेरा पास जो पासवर्ड है, जो मैंने अभी मेरे प्रोग्राम में जो पासवर्ड वगैरह ले रखा है, तो सिंपली मैं भी चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास ऐसा कोई स्पेसिफिक पैटर्न मैं बनाऊँ, ठीक है। तो सिंपली मैं इसको यहाँ से पूरा कॉपी कर लेता हूँ,
इस पैटर्न को मैंने यहाँ से कॉपी करके, इस पैटर्न को कॉपी करके मैं यहाँ पे आता हूँ मेरा एचटीएमएल पार्ट में, और पासवर्ड के कहीं पर भी मैंने क्या लगा दिया, नेम के पहले मैंने यहाँ पे एक पैटर्न टैग लगा दिया। ठीक है दोस्तों, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, देखो इनपुट टाइप पासवर्ड पहले से था, यहाँ पर मैंने क्या ऐड कर दिया, पैटर्न, और पैटर्न के अंदर मैंने सारी चीज़ें कर दी, यहाँ पे ऐड कर दी। अब ये जो पैटर्न है किसकी क्या है, उसके लिए मुझे यहाँ पे सिंपली टाइटल देना पड़ेगा। तो टाइटल को मैंने यहाँ से सिंपली कॉपी किया, और टाइटल को कॉपी करके आप सिंपली क्या कर सकते हो, यहाँ पे उसको पेस्ट कर सकते हो। अब दोस्तों ये जो टाइटल है इसको आप एक बार पढ़ना कि मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन नंबर, एक नंबर होना चाहिए, एक अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए, और कितने कैरेक्टर होना चाहिए, 8 होना चाहिए। मतलब एक एक तो आपका नंबर होगा, एक अपर केस होगा, और बाकी आप लोअर केस यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है दोस्तों, एक बार इसको मैं रन करके देख लेता हूँ क्या जो मैंने पैटर्न लगाया वो प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, सिंपली मैंने यहाँ पे साइन अप पेज लिख रखा, कोई बात नहीं है, चलेगा, है ना दोस्तों। देखो सिंपल मैंने यहाँ पे करा, अभी मैंने ईमेल, अभी मैंने नेम वाले पे नहीं लगाया था, नेम तो मैं कुछ भी दे सकता हूँ, ईमेल आईडी पे भी मैंने अभी मेंशन नहीं किया, तो ईमेल आईडी में कुछ भी दे सकता हूँ, पर पासवर्ड पे मैंने यहाँ पे लिख रखा है। जैसे मैं साइन अप करता हूँ तो सबसे पहले तो आपसे रिक्वायर्ड का पूछता है। देखो दोस्तों, अब पासवर्ड वाली फील्ड में दो दो चीज़ें, एक पैटर्न भी है, एक मैंने पैटर्न भी लगा रखा, और एक क्या लगा रखा है मैंने लास्ट में, रिक्वायर्ड भी लगा रखा। तो सबसे पहले किसको चेक करते हैं, रिक्वायर्ड को। रिक्वायर्ड मतलब एम्प्टी नहीं होना चाहिए। अब एम्प्टी नहीं है मतलब आपने कुछ लिख दिया उसके अंदर। अब जो लिखा है, जैसे कि मैंने कुछ भी लिख दिया, अब लिख दिया तो देखो, अब जो एक्चुअल पैटर्न बताएगा कि मस्ट कंटेंट एट लीस्ट वन नंबर, वन अपर केस, ये तो आपने लिखा ही नहीं, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे सबसे पहले तो नंबर लेना पड़ेगा। तो कैपिटल ए लिखा मैंने, एक कैपिटल केस आ गया, उसके बाद एक वन ले लिया मैंने, एक नंबर आ गया, उसके बाद मुझे मिनिमम 8 कैरेक्टर लेना है, दो तो हो चुके, 3 4 5 6 7 8, जिससे मैंने 8 कैरेक्टर ले हुआ, अब साइनअप करूँगा तो ये मेरा प्रॉपर क्या हो गया, देखो वर्क कर रहा है। ठीक है तो दोस्तों, ये तरीका होता है कि ये पैटर्न बनाते कैसे। दोस्तों पैटर्न आपको बनाना नहीं, आपको नेट पे सारे के सारे पैटर्न ऑलमोस्ट अवेलेबल है, बस आपको पैटर्न को सर्च करना है, कॉपी करना है, और यहाँ पे सिंपली उसको आप पेस्ट करना है। ठीक है दोस्तों, ये होता है हमारे HTML 5 का पैटर्न तरीका। ठीक है, पैटर्न को हम कैसे मैनेज करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, कि आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा हम इसको ना दोस्तों मॉडिफाई वगैरह भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप उसको पैटर्न को मॉडिफाई नहीं कर सकते, आप इजीली पैटर्न को मॉडिफाई भी कर सकते हो। दोस्तों अब हम आते हैं हमारे ईमेल आईडी पे। दोस्तों देखो यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर दे रखा है कि ईमेल आईडी जो है आपका ये वाला फॉर्मेट होना चाहिए। तो सिंपली मैंने क्या करा, ईमेल आईडी का जो पैटर्न था इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, और इस पैटर्न को मैंने यहाँ से कॉपी करके मैं सिंपली क्या करूँगा, इस पैटर्न को मुझे यहाँ पे पूरा कॉपी करना है, और कॉपी करके मुझे ना उसको मेरे ईमेल आईडी पे क्या करना है, मुझे उसको पेस्ट करना है। तो देखो दोस्तों, ये जो मेरी इनपुट टाइप बराबर ईमेल है, यहाँ पर मैंने सिंपली अगर पैटर्न को मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। अब हम चेक करते हैं कि क्या हमारे पास जो प्रॉब्लम आ रही थी वो प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट हुआ कि नहीं हुआ, ये कि डॉट कॉम चेक है, डॉट कॉम है, डॉट इन क्या चेक कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, उसको भी हम यहाँ पे चेक करके देख लेते हैं। अब दोस्तों देखो, जैसे कि मैंने अगर मैंने यहाँ पे डॉट कॉम नहीं लिखा है, सपोज मैंने यहाँ पे डॉट कॉम नहीं लिखा है, और पासवर्ड पे तो मैंने पैटर्न लगाए रखा कि एक कैपिटल होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, बाकी मिनिमम कितने कैरेक्टर होना चाहिए। दोस्तों जैसे मैंने साइनअप पे क्लिक करा, देखो दोस्तों यहाँ पे एक एरर आ गई है। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे आपने डॉट 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 तक भी काम नहीं चलेगा, डॉट के बाद भी आपको मिनिमम लिखना पड़ेगा। क्या क्या लिखना पड़ेगा, देखो क्या बोल रहा है, इट इज़ यूज्ड एट अ रॉन्ग पोजिशन, एट ए रॉन्ग पोजिशन इन जीमेल। जीमेल के बाद जो आपकी पोजिशन है, जो आपने लिखा ही नहीं ना, तो आपकी पोजिशन क्या है, रॉन्ग है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, gmail.com, या फिर मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, सिंपली .com लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब प्रॉपर क्या करेगा, वर्क करेगा। तो दोस्तों यही मुझे आपको बताना था कि एक्चुअली पैटर्न हम कैसे बना सकते हैं। दोस्तों पैटर्न आपको बनाना नहीं, आपको कुछ कुछ पैटर्न आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, बट सिंपली आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे अगर आप चाहते हो कि अरे पैटर्न वगैरह कैसे बनते हैं, तो उसके लिए आपको पूरा के पूरा रेगुलर एक्सप्रेशन आपको पढ़ना पड़ेगा, जो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर आता है। दोस्तों मैं नहीं बोलता हूँ आपको कि आप पूरा के पूरा रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ो, बट आपको उतने सेंटेक्स पता होना चाहिए। कल से अगर मुझे मॉडिफाई करना पड़ा, जैसे कि पासवर्ड पे भी मिनिमम कैरेक्टर कितने, 8, हो सकता है 10 हो जाए, है ना, हो सकता है उसके अंदर एक अपर केस की जगह पर 2 अपर केस मांग ले वो, तो ऐसे मॉडिफाई कैसे करते हैं, उसके लिए आपको रेगुलर एक्सप्रेशन के सिंटेक्स पता होना चाहिए कि कौन सी जगह पर कहाँ पे उसका यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं, अब हमको इसके अंदर कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पे उन्होंने सब कुछ फिनिश कर दिया है ना, अब कुछ भी नहीं। देखो अब हम चाहते हैं कि यार मुझे जो मैंने यहाँ पे साइनअप के अंदर जो मैंने नेम लिखा है, इस नेम में मेरा नंबर यूज़ नहीं होना चाहिए, केवल कैरेक्टर यूज़ होना चाहिए, मेरा नंबर यूज़ नहीं होना चाहिए। अभी मैं साइनअप करूँगा तो दोस्तों देखो दोस्तों यहाँ पर तो वैलिडेशन नहीं बता रहा है,
मतलब ये तो उसने प्रॉपर एक्सेप्ट कर लिया इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को, तो जबकि स्ट्रिंग तो हमारी गलत है ना, हमने यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखा है, तो मुझे बताओ नेम के अंदर कभी किसी यूज़र का नाम में, वर्ल्ड में से किसी यूज़र का नाम बता दो जिसके नेम के साथ में नंबर आता हो, नहीं आता है ना दोस्तों, नहीं आता, नंबर अलाउ नहीं करते हैं। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे केवल कैरेक्टर आना चाहिए, अल्फ़ाबेट्स आना चाहिए। कैरेक्टर क्या मतलब, अल्फ़ाबेट्स आना चाहिए, यहाँ पर नंबर अलाउ नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए सिंपली क्या करना पड़ेगा आपको दोस्तों, हमको उसके लिए है ना, मुझे भी देखना पड़ेगा गूगल पे, एक बार हम उसको सर्च कर लेते हैं। आपको क्या लिखना पड़ेगा, HTML पैटर्न फॉर ओनली कैरेक्टर्स, ओनली अल्फाबेट्स। अल्फाबेट जिसे मैंने इतना लिख के एंटर मारा तो दोस्तों बहुत सारी लिंक आएगी है ना। पैटर्न एट्रीब्यूट तो आप छोड़ ही दो, पैटर्न एट्रीब्यूट अल्फा न्यूमेरिक ये है कुछ दे रहा है यहाँ पे, अल्फा न्यूमेरिक का दे रहा है, तो सिंपली मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा है ना, अल्फा और न्यूमेरिक दोनों होना चाहिए। अब चूंकि मैं यहाँ पे पैटर्न को इसको कॉपी कर लेता हूँ बिना सोचे समझे, पर ये तो किसी ने क्वेश्चन करा, इसका सॉल्यूशंस तो हमको नीचे मिलेगा दोस्तों। ये पैटर्न का बोल रहा कि आप ये वाले पैटर्न का यूज़ करके देख लो दोस्तों। मैं यहाँ पे सिंपली क्या कर रहा हूँ, मैंने इसको पैटर्न को यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करके जब मैं इसको पेस्ट करता हूँ, कहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा मुझे इसको पेस्ट करना पड़ेगा मेरा जो पैटर्न डॉट HTML उसके अंदर जो मैंने यहाँ पे ले रखा ऊपर क्या ले रखा, इंटर फर्स्ट नेम, यहाँ पे सिंपली मैंने उसको पेस्ट करके देखता हूँ कि क्या ये मेरा पैटर्न वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे इसके अंदर आपको समझाता हूँ मैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे स्मॉल ए से स्मॉल जेड के बीच में कुछ भी हो सकता है, कैपिटल ए से कैपिटल जेड के बीच में कुछ भी हो सकता है ना, मतलब यहाँ तक तो सही है, बट मुझे न्यूमेरिक नहीं चाहिए था। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ से सिंपली मैं 0 से 9 की जो डिजिट है उसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ दोस्तों। इसको रिमूव करने के बाद अब हम चला के देखते हैं क्या मेरा जो अल्फ़ा न्यूमेरिक वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, मतलब मुझे नंबर नहीं आना चाहिए, नंबर अलाउ नहीं करना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अब इसको सिंपली मैं रिफ्रेश करता हूँ, अब मैंने यहाँ पे लिखा एडमिन लिखा, साइनअप करेंगे तो ये ले लिया। अगर मैंने यहाँ पे गलती से अगर 123 लिख दिया, अब साइनअप करेंगे तो देखो दोस्तों अब यहाँ पे क्या आ रही, अब यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि प्लीज़ मैच द रिक्वेस्ट फॉरवर्ड, मतलब ये मेरा प्रॉपर वर्क कर रहा है, ये केवल किसको किसको अलाउ करेगा, ओनली कैरेक्टर, वो भी अल्फ़ा न्यूमेरिक होना चाहिए है ना, सॉरी अल्फ़ाबेट्स होना चाहिए, न्यूमेरिक नहीं होना चाहिए, न्यूमेरिक मतलब नंबर को अलाउ नहीं करेगा। अगर किसी यूज़र ने गलती से नाम में 123456 डाल दिया ना, तो यहाँ पे एक एरर आएगी कि प्लीज़ मैच द रिक्वेस्ट फॉर्मेट है ना। उसके लिए आपको आप कैपिटल लिखो एडमिन चलेगा, आप कैपिटल एडमिन लिखोगे तो ये वर्ण करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या अल्फ़ाबेट्स ही तो है, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले से बता रखा है कि भैया स्मॉल ए से स्मॉल जेड और कैपिटल ए से कैपिटल जेड के बीच में कुछ भी आप दे सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों ये एस का मीनिंग क्या है, इसको हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि एस का मीनिंग क्या है। जैसे कि किसी यूज़र ने यहाँ पे नाम लिखा यहाँ पे, जैसे कि उसने शानू नीमा करके लिख दिया, अब सबमिट करा तो दोस्तों देखो यहाँ पे स्पेस अलाउ कर रहा है ना, स्पेस भी अलाउ कर रहा है, तो यहाँ पे उसने जो लिया है ना फॉरवर्ड बैकवर्ड स्लैश जो एस लिया है ना, इसका मतलब ये होता है कि स्पेस के लिए, किसके लिए लिया है उसने यहाँ पे स्पेस, मतलब स्पेस भी अलाउ करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे पैटर्न हम बना भी सकते हैं, और ऐसे इजी पैटर्न तो हम देख सकते हैं, देख के हमको जल्दी से समझ में आ जाएगा, हम उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आशा करता हूँ कि आगे मैं आपको है ना कुछ कुछ असाइनमेंट्स देने वाला हूँ। असाइनमेंट बिल्कुल ऐसे हैं कि जैसे कि मैंने आपको एक पैटर्न तो बता दिया है, अब जो पैटर्न आपको आगे बनाना है वो पैटर्न बनाना है आपको, एक तो ये कॉन्टैक्ट नंबर के लिए, कॉन्टैक्ट नंबर में ओनली नंबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। कॉन्टैक्ट नंबर के बाद में सेकंड में आपको असाइनमेंट देता हूँ कि अल्फ़ा न्यूमेरिक का तो मैंने आपको बता ही दिया अभी है ना, ठीक है, पासवर्ड का भी मैंने आपको ऑलमोस्ट तो बता दिया है, और हमारे पास क्या बचा है अभी, ठीक है, सफिशेंट इतना, ठीक है दोस्तों। तो इतना आप है ना, बस एक ही मैं आपको असाइनमेंट दिया कि ओनली नंबर होना चाहिए, मतलब अगर जैसे कॉन्टैक्ट नंबर में यूज़र ने कुछ भी नंबर वगैरह, जैसे कि अभी तो मेरे पास कॉन्टैक्ट नंबर वाली फील्ड नहीं है, पर कॉन्टैक्ट नंबर में अगर गलती से यूज़र ने अगर कुछ भी अल्फ़ाबेट्स वगैरह डाल दिए तो वो अलाउ नहीं करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये सब रेगुलर एक्सप्रेशन जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हम बना सकते हैं, तो जब जावास्क्रिप्ट वगैरह पढ़ेंगे तो वो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे हमको डिस्कस नहीं करना है। यहाँ तो आप सिंपली गूगल पे लिखो कि कौन सा पैटर्न आपको चाहिए, वो पैटर्न आ जाएगा, आप उसको कॉपी करके पेस्ट करके एक बार आप उसको R&D करके और उसको आप रन करके देख लो, ठीक है, कि ये अगर प्रॉपर वर्क कर रहा है तो उसको आप कहीं पे नोट डाउन करके रख लेना। तो ये दोस्तों ये होता है हमारा HTML पैटर्न, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अगर
आपको अभी भी इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर हेल्प करूँगा कि आपको आपकी हेल्प मैं आपकी हेल्प करूँगा कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स वगैरह आ रही है, उसका अपन सॉल्यूशंस वगैरह निकालेंगे उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड करने से पहले मेरी आपसे एक बार और रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बिल को आप प्रेस कर लें, ताकि ऐसे लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए आपके पास नोटिफिकेशन वगैरह टाइम टू टाइम आता रहे। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं और अपने दोस्तों को आप शेयर करें जिनको वेब डिज़ाइनिंग वगैरह पढ़ना है, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे हम स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम HTML के कुछ नए फीचर्स को लेकर के आएंगे, तब तक के लिए गुड बाय।